आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। उस आकाशीय पिंड का नाम बताइए जो पहले ग्रह माना जाता था लेकिन अब वह ग्रह नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखिए इसका उत्तर। में सबसे पहले तो मैं आपको है ना जो टोटल ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास में जो होता है, ये होता है हमारे पास में सूर्य, और ये सूर्य के चारों तरफ जो भी चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी परिभ्रमण कक्षाओं में, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसके सूर्य के ग्रह कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो होता है ये होता है मरकरी, जिसको हम लोग बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद में होता है बेटा हमारे पास में शुक्र ग्रह है, उसके जस्ट बाद में होती है हमारी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के बाद में होता है बेटा ये हमारे पास में मंगल ग्रह, ठीक है, और फिर ये होता है बृहस्पति। ये कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह होता है, ठीक है, और बृहस्पति और ये मंगल ग्रह के बीच, सॉरी बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो ये बेल्ट होती है ना बेटा, जहां पर ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये इसके ग्रह नहीं है बेटा, ठीक है, ये छोटे छोटे से एस्टेरॉइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है, तो ये लेकिन इसके ग्रह नहीं है। इसके अलावा हम लोगों के पास में ये होता है शनि, ये होता है यूरेनस है ना, और ये होता है बेटा हमारे पास में नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून सबसे दूर माना जाता है। अब तो आप यहां पर देख पा रहे हो बेटा, ये है हमारे पास में प्लूटो है ना, ये प्लूटो अब इस सूर्य से इतना दूर जा चुका है कि हम लोग इसको जो है इनके ग्रहों में नहीं गिनते हैं, यानी कि केवल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ही ग्रह है, ये वाला ग्रह नहीं है। तो जो हमारे पास में इसका उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्लूटो, ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।